एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सूजी और बेसन के साथ हम ये ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं कैसे हम तैयार करते हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट सूजी और बेसन के साथ। सूजी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी लिया है। इसमें हमने 1/2 कप बेसन मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने 1 कप इसके अंदर दही मिक्स कर दिया है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। 1/2 कप हमने इसमें पानी डाला है। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, हमने इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहें तो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं, बट बेसन के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे सब्जी। ये हमने 1 गाजर को ग्रेट कर लिया है, गाजर मिक्स करेंगे। 1 शिमला मिर्च, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। 1 प्याज काटा है और 1 ही हमने टमाटर लिया है। ये हमारा बैटर बनके तैयार है। आप देखेंगे कि हमने इसे नॉन स्टिक तवे पे बनाना है और हमें घी ज्यादा नहीं लगाना। हमने 1 चम्मच घी लिया है और इसे हमने इस तरह से फैला दिया है। अब आप देखेंगे कैसे हमने बैटर डालना है। इस तरह से हमने सारे बैटर को डालना है। हम ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, तेल का यूज ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत ही कम तेल के अंदर हमें इसे बनाना है। फ्लेम हमने लो कर दी है और हमने इसे इस तरह से ढक दिया है। 1 मिनट हो गया है, आप देख रहे हैं एक तरफ से पूरी तरह से पक चुका है। इसे हमने पलट दिया है। अब इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी पकने देना है। 1 मिनट हो गया है, आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी पक के तैयार है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। ये हमारा गर्मा गर्म सूजी बेसन का नाश्ता बनके तैयार है। आपने देखा है कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सूजी है, बेसन है और वेजिटेबल्स है। इस तरह से बच्चे जो है वेजिटेबल खुश होके खा लेते हैं। आप इसे टिफिन में भी डाल सकते हैं और नाश्ते में भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इसे हम चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।